गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडे इज क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, चैप्टर 5.3, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम जानेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजिंग का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है अधिकार अंतरण एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो मैनेजर है वो सारे काम जो स्वयं नहीं कर सकता। मैनेजर को जो काम है वो अपने सुबॉर्डिनेट्स को सौंपने पड़ते हैं। काम सौंपने के साथ साथ क्या चाहिए कि उस सुबॉर्डिनेट्स को काम के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। तो कार्य का विभाजन और उस काम को करने के लिए आवश्यक अधिकार सौंपने को हम क्या कहते हैं, अधिकार अंतरण कहते हैं। इसे हम भारार्पण अथवा अधिकार सौंपना अथवा अधिकारों का प्रत्यायोजन भी कह सकते हैं। तो अधिकार अंतरण क्या हुआ, काम का विभाजन करना और उस काम को करने के लिए मुख्य अधिकार सौंपना, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, अधिकार अंतरण कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमें इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अधिकार अंतरण की परिभाषाएं। अकॉर्डिंग टू थियो हैमन, अधिकार अंतरण का अभिप्राय केवल यह है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार सौंपा जाए। जो भी अधीनस्थ है उन्हें काम दिया जाएगा और काम के लिए उन्हें क्या दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन अधिकारों के लिए क्या होनी चाहिए, निश्चित सीमाएं होनी चाहिए। डेलीगेशन अथॉरिटी करेंगे तो उसके अंदर जो है हमारे जो है तीन तत्व होते हैं, कौन कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी है, यानी कि जो भी काम जिस व्यक्ति को सौंपा गया है वो उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व जो है दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जैसे कि मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंपा, इसका सार कर्तव्य का पालन करना है, जो भी हमें ऊपर से आदेश मिलेंगे उसका पालन करना। इसकी उत्पत्ति अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण होती है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होंगे तभी तो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटी, उत्तरदायित्व के बाद हमारा आता है अधिकार। हमें उत्तरदायित्व तो मिल गया, लेकिन क्या है, उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हमें कुछ अधिकार तो चाहिए, ताकि हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए खुद से निर्णय ले सकें। तो अधिकार का क्या अभिप्राय होता है, निर्णय लेने की पावर से है। निर्णय संसाधनों के प्रयोग करने अथवा कोई काम करने या न करने से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है, जैसे कि मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को सौंपता है, इसका संबंध पद से है। जिस प्रकार की हमारी पोस्ट है वह उसी प्रकार के क्या हमारे उससे रिलेटेड अधिकार होंगे। इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव होता है। जो भी हमें ऊपर से आदेश मिलेंगे, अगर हमें उस आदेश को करने का अधिकार हमारे पास है, उस काम को करने का, तो क्या है, पालन जो है हम उस निर्णय का आसानी से कर सकते हैं। अधिकारों को प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाता है। अधिकार होंगे तभी तो हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो ये क्या होती है, प्रबंधकीय पद की क्या होती है, की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व। हमें काम, हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अथॉरिटी भी मिल गई, आगे हमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। जो भी काम मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को दिया है, वो सबॉर्डिनेट क्या है, उसके लिए उत्तरदायी है। उस काम में कोई कमी रहती है तो उसकी क्या है, उसकी उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो उस काम को करने के लिए जवाबदेही है। जब अधिकारी जो अधीनस्थ को काम अथवा उत्तरदायित्व सौंपता है तो उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार देता है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम को करने की, उसके बाद उसने उसको अधिकार भी दे दिया। तो अब क्या है, अधिकारी ने वो काम जो है परफॉर्म कर दिया, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए अधिकारी को कौन जवाब देगा, वो सबॉर्डिनेट्स जवाब देगा, ठीक है। जवाबदेही क्या है, उत्तरदायित्व और अधिकार को सौंपने के बाद जब अधीनस्थ जो अपने अपना जो सुपीरियर है उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होता है, उसके प्रति जवाबदेह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरदेयता। इसकी क्या विशेषताएं होती है, जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। जिस व्यक्ति को काम दिया गया, अधिकार दिया गया, वही व्यक्ति क्या इसके लिए उत्तरदायी है, किसी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है।
यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। जिस व्यक्ति ने हमें काम को करने का अधिकार दिया है, हम जवाबदेही किसके प्रति होगी हमारी, उसी व्यक्ति के प्रति। इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध है। जब सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट होंगे तभी तो हम क्या अकाउंटेबिलिटी हमारी जो है वो पैदा होगी। यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। जब हमें किसी काम को करने का अधिकार मिला है तो हम उसके लिए क्या है, अकाउंटेबल है, हमारी उत्तरदायित्वता बन जाती है उस काम को करने के लिए। क्या उत्तरदायित्वता को सौंपा जा सकता है? उत्तरदायित्वता को हम नहीं सौंप सकते। सौंपते हम किसे हैं? केवल उत्तरदायित्व और अधिकारों को सौंपते हैं, उत्तरदायित्वता को नहीं सौंपते हैं। जो भी काम दिया गया है, जिस व्यक्ति को दिया गया है, वो खुद उसके लिए जवाबदेह होता है। आगे मेरे पास श्रम विभाजन अधिकार अंतरण का अधिकार। श्रम विभाजन जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बेस होता है। अधिकार अंतरण हमने समझ लिया है कि अधिकारों को सौंपना। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि काम को बांटना। जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए परफेक्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग काम देना। तो क्या है, काम देंगे, काम को करने का अधिकार देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, काम सौंपना होगा, उसके बाद ही हम क्या है उसे अधिकार देंगे। तो क्या मतलब हुआ, निष्कर्ष क्या है हमारा, कि जो श्रम विभाजन है वो क्या है, हमारे अधिकार अंतरण का आधार होता है। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब भी हम अपने अधिकार हैं वो सौंपेंगे तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या देते हैं, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अभी अभी हमने तीन वर्ड स्टडी किए थे, उसी से रिलेटेड है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तरदायित्व सौंपेंगे काम को करने का, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास जैसी योग्यता है उसे उसी के अकॉर्डिंग जो है काम दिया जाएगा। जैसे कि एक वित्त प्रबंधक वित्त व्यवस्था के काम को अपने पास रख कर लेखांकन, आंकड़े एकत्रित करने आदि कार्यों को किसे सौंप देता है, अपने अधीनस्थों को। मेन काम तो अपने पास रख लेता है, बाकी काम वो किसे कर दे सौंप देता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को। काम सौंपा है तो आगे क्या देना होगा, उसे काम को करने के लिए अधिकार भी देने होंगे, ठीक है। सेकंड हमारा प्रोसेस का क्या स्टेप है, काम को करने का अधिकार प्रदान करना। जो भी काम अपने अधीनस्थ को दिया गया है उस काम को करने का बाद में हमें क्या देना होगा, अधिकार। अब हमने उत्तरदायित्व भी दे दिया, अधिकार भी दे दिया। उसके बाद क्या है, जिस व्यक्ति को हमने उत्तरदायित्व दिया है, अधिकार दिया है काम को करने का, वो व्यक्ति हमारे प्रति क्या है, जवाबदेह है। जवाबदेही का अभिप्राय क्या होता है, जो भी काम परफॉर्म किया गया है उसके अधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर देने से है। मान लीजिए एक व्यक्ति को कहा गया था कि आपको 10 यूनिट्स बनानी है। 10 यूनिट्स ना बनाकर उसने कितनी यूनिट बनाई, ओनली 8 यूनिट बनाई। तो वो इस 8 यूनिट तो उसने बना दी, 2 यूनिट की जो कमी रही है, जब उसका अधिकारी उससे पूछेगा कि ये 2 यूनिट की कमी क्यों रही, तो वो क्या है उसके प्रति उत्तर देता होगा, उत्तरदायी होगा वो उस काम के लिए। उसे उसका जवाब देना होगा कि वो कमी क्यों रही। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का महत्व क्या है हमारे लिए, कि प्रभावपूर्ण प्रबंध होता है। सारे काम जो है प्रबंधक स्वयं नहीं कर सकता, उसे अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है काम सौंपने पड़ते हैं, उसे निर्णय लेने के लिए अधिकार देने पड़ते हैं, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है, जिससे क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने काम से संबंधित निर्णय आसानी से ले लेता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ के पास क्या है, काम को करने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, जिससे क्या उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो अपने दिमाग से सोचता है। विभिन्न परिस्थितियों में वो अपने मेंटल जो डेवलपमेंट है उसको विकसित करता है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से डिसीजन लेकर, जिससे क्या एम्प्लॉय की डेवलपमेंट निश्चित होती है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इससे क्या है कि व्यक्ति को काम दे दिया, काम को करने का अधिकार दे देंगे, हमें काम को करने की स्वतंत्रता दे देंगे, तो क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, वो उस काम को मोटिवेट होकर और अच्छे तरीके से करेगा। नेक्स्ट है विकास में सहायक, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अगर हम अपने विभाग का विकास करना चाहते हैं तो जिससे क्या होगा कि हमारे विभाग के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्रता है। तो हम अपने विभाग को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है कि अपने व्यवसाय की जो वर्तमान वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, व्यवसाय में नई नई तकनीक को अपनाना। विविधीकरण क्या होता है, एक मान लीजिए हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाना, अलग अलग टेक्निक से बनाना, ये क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन। फिफ्थ हमारे पास बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार। जब हम अधिकार देंगे काम को करने के लिए, उत्तरदायित्व सौंपेंगे, तभी क्या हमारे अधिकारी अधीनस्थ संबंध जो है वो पैदा होंगे। बढ़िया समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन। अधिकार अंतरण जो है उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व में
संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। ये तीनों वर्ड हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में चलेंगे, उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायिता। तो क्या है, जब हम उत्तरदायित्व देंगे तभी उसे अधिकार देंगे। अगर हमने अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों दे दिए हैं तो व्यक्ति क्या हमारे प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायिता उसकी निश्चित हो जाती है। तो ये क्या, इन तीनों के बीच में अच्छी प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ये तुम्हारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसकी प्रोसेस और इसके एलिमेंट्स और इसकी इम्पोर्टेंस, ये आपको स्टडी करनी है। थैंक्स।